मन का भी ऑपरेशन हो सकता है। जी हाँ, अब तक आपने सुना होगा कि शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऑपरेशन होते हैं, हड्डियों के ऑपरेशन होते हैं और कई तरीके के विविध रोगों के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि मन का भी ऑपरेशन हो सकता है। और ये बात कही है स्वामी लीलाशाह जी महाराज ने। स्वामी लीलाशाह महाराज सिंधी समाज के मार्गदर्शक रहे और एक संत रहे, उन्होंने ये संदेश दिया है। पूरी बात उन्होंने क्या कही है कि किस तरीके से मन का ऑपरेशन हो सकता है, यह मन का ऑपरेशन कौन करेगा, या ये मन का ऑपरेशन क्यों जरूरी है, इन सारी बातों पे हम आज प्रकाश डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर सोने सरानी के साथ। स्वामी लीलाशाह महाराज कहा करते थे, बुद्धि द्वारा मन को देखो कि मन में कौन से दोष प्रवेश कर रहे हैं। जैसे बीमार का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वैसे बुद्धि द्वारा मन का ऑपरेशन करके मन को ठीक करो। मन में मैल भरा पड़ा है, इतनी सारी अशुद्धियां भीतर पड़ी हैं, इन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न करो। मन ही सुख और मन ही दुख देता है। किसी वस्तु में सुख नहीं है, यदि होता तो फिर बुखार में हलवा क्यों नहीं अच्छा लगता। स्वामी लीलाशाह महाराज कहते थे कि हम सब जीव सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होकर, मन इंद्रियों पर संयम न रखकर, विकारों के दास बनकर, स्वार्थ कामना और वासनाओं के प्रभाव में बहकर सुख शांति और आनंद के रस लेने से विमुख रहते हैं। इसलिए मन का ऑपरेशन करने के लिए पहले जरूरी है कि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें। तो स्वामी लीलाशाह महाराज ने बताया कि इस तरीके से हम मन का ऑपरेशन कर सकते हैं। एक और बात स्वामी लीलाशाह महाराज ने कही है कि जो आजकल युवा एक नया नारा दे रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, तो ये नारा उन्होंने बताया कि गलत है, कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और युवाओं को करना क्या चाहिए, उसके बारे में भी देखते हैं कि स्वामी लीलाशाह महाराज क्या फरमाते हैं। स्वामी लीलाशाह महाराज कहा करते थे, खाओ पियो और जियो, यह तो आजकल के जवानों का नारा हो गया है। आजकल के युवा, क्या तुम समझते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या खा पी सकते हो, उससे अधिक तो पशु खा पी सकते हैं। अरे ऐसे भोजन खाने से क्या लाभ जो बदनामी का टोकरा सिर पर उठवाए हो, फिर भी कहते हो कि खाओ पियो और जियो। मनुष्य योनि में क्या खा पी सकते हो, कभी हाथी की योनि मिलेगी तो फिर किलो तो क्या, दो दो मन भी खाए जाओ तो कोई पेटू नहीं कहेगा। परंतु मनुष्य योनि में तो कुछ कर लें, जो प्रशंसा का मुकुट बांधकर मुस्कुराते हुए चलकर प्रीतम से मिलेंगे। भगवान से प्रेम रखना कोई कठिन काम नहीं है। तुम्हारी बेटी बेटे स्त्री मकान धन में प्रेम है, वे प्रेम बदल कर भगवान में रखो और फिर जियो मौज करो इस भगवान के नाम के साथ। और इस तरीके से स्वामी लीलाशाह महाराज ने अलग अलग सब्जेक्टों पर अपने विचार दिए हैं। मैं बता दूं कि स्वामी लीलाशाह महाराज सिंधी समाज के एक संत हुए। स्वामी लीलाशाह जी महाराज का जन्म सिंध प्रांत, जो तत्कालीन भारत का हिस्सा था, के हैदराबाद जिले की टंडे बाग तहसील में मेहराव चांडाई नामक गाँव में सन 1880 में ब्रह्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। स्वामी लीलाशाह वेद विद्या और सनातन धर्म के उच्च ज्ञाता थे। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा लुप्त होते धार्मिक संस्कारों से काफ़ी दुखी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान तथा सोई हुई आध्यात्मिकता को जगाने के लिए बेहतर कार्य किए। उन्होंने जहां समाज को आध्यात्मिक संदेश दिया, वहीं समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने हेतु सबको जागृत किया और दहेज बिना सामूहिक विवाह समारोह के प्रेरक आयोजन शुरू किए। को जितनी उनकी उम्र रही, उन्होंने समाज को संदेश दिया और सबको एक सूत्र में बांधे रखा, सिंधी पंचायतों का गठन किया। और स्वामी लीलाशाह समाज के निर्बल वर्ग की पीड़ा से काफ़ी आहत रहते थे। उन्होंने निर्धन विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। कई स्थानों पर गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला व सत्संग भवन बनवाए और जगह जगह पर यही संदेश दिया कि हम आत्मज्ञान के द्वारा परम तत्व परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे महान संत ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में अर्पण करते हुए 4 नवंबर 1973 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। आज भी सिंधी समुदाय के लोग स्वामी लीलाशाह महाराज की जयंती बड़े
जोश व उत्साह के साथ मनाते हैं। उनकी साधना स्थली गांधीधाम में आज भी कई विशेष आयोजन होते रहते हैं। स्वामी लीलाशाह महाराज की एक खूबसूरत प्रार्थना है जो अक्सर सिंधी समाज के जितने लोग हैं उस प्रार्थना को बोलते हैं। विविध अवसरों पर जैसे ही कोई कार्यक्रम शुरुआत होती है तब भी ये प्रार्थना बोली जाती है और आमतौर पर घरों में भी ये प्रार्थनाएं कही जाती है। मैं आपको उस प्रार्थना के साथ ही आज की इस जो स्पेशल स्टोरी को संपन्न करना चाहूँगा। उनकी प्रार्थना है कि हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, ताकि हम अपना अपना कर्तव्य पालन कर सदा सुखी रहें। और इस तरीके से ये प्रार्थना परमात्मा के साथ जुड़ती है और अपने भविष्य के एक सुखद जीवन की कामना करती है। तो ये स्वामी लीलाशाह महाराज सिंधी समाज के एक संत रहे और उनके कुछ विचारों को यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया। तो आपको ये विचार कैसे लगे अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और जितने अपने सिंधी समाज के अन्य लोग हैं उन तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करके पहुँचाएँ, हमारा लिंक पहुँचाएँ, ताकि स्वामी लीलाशाह महाराज की शिक्षाओं को वह भी जान सकें। किशोर स्वर्ण इसरानी मुझे चैनल हलो है किशोर स्वर्ण सच्ची बात जैसे घणई न्यूज मां रिंदो आया कुछ निरंकारी मिशन से जुड़ल होंदी है तो कुछ सिंधी समाज से जुड़ल होंदी है। सिंधी भाषा के बढ़ावो दियण ला, सिंधी बोली के बढ़ावो दियण ला, सिंधी सभ्यता के घर घर ताणी पहुंचाण ला जको ही अभियान मु छेड़े वा ही जकी गाल शुरू कई है त ही हर घर ताणी पहुंचणी गुरजे। अहिड़ा तव्हां सभी जो सहयोग जरूरी है त इन करे मुझे चैनल के तव्हां सब्सक्राइब करजो ऐं लाइक कमेंट शेयर त जरूरी करणो आहे तव्हांखे त तव्हां सभी जो सहयोग सां गॾु शुभकामनाओं से गड बाधाइन से गड एक सुनी सुनी गाल की शुरुआत थी है तो ठहरो जो असा सा गड गाली कंदा रहना सी किशोर स्वर्ण इसरानी से गड।